सुनने मात्र दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय का। फाग उत्सव में मध्य प्रदेश विकास परिषद द्वारा होली मिलन समारोह। होली एक ऐसा त्यौहार है जो सदियों से असत्य अनाचार पर सत्य और सदाचार की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली केवल धूलेटी को ही नहीं बल्कि होली के 15 दिन पहले से ही लोगों में उत्साह उत्सुकता भरने लगती है और लोगों में उम्र दराज के लोग भी होली खेलने में रुचि रखते हैं। होली बीत जाने के कई बाद तक लोग आपस में मिलजुल कर होली का रंग अबीर गुलाल और टीका लगाकर एक दूसरे को सम्मानित करते हुए अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश विकास परिषद द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया जो 20 मार्च को रखा गया था। यहाँ पर कोई गणमान्य अतिथियों को भी सादर निमंत्रित किया गया था जो यहाँ पर पहुंचकर होली मिलन समारोह की शोभा के साथ रंग गुलाल के टीके लगाकर एक दूसरे के साथ अपने प्रति सम्मान और प्रेम भावना का आदर करते। मुख्य अतिथि के रूप में CR पाटिल भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष एवं नवसारी के सांसद भी हैं तथा संगीता पाटिल विधायिका लिंबायत से, छोटू भाई पाटिल जो वर्तमान में नेशनल रेलवे कमेटी भारत सरकार में सदस्य पद पर है, तथा साथ में ही जिग्नेश भाई पाटिल को बुलाया गया जो यूथ फॉर गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक है, और अमित सिंह राजपूत जो नेता शासक पक्ष सूरत से। आज सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में होली मिलन समारोह तथा फागोत्सव मनाया जाएगा। हमने मध्य प्रदेश विकास परिषद का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे लोग संगठित नहीं हैं, अलग अलग तरीके से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ है। और हम ये सोच रहे हैं कि सब एकजुट हो, भाईचारा का बढ़ावा मिले उनको और आगे एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते रहें। और होली जैसा त्यौहार जो है, लोगों को जो पुरानी दुश्मनी होती है किसी की या कोई भी गिले शिकवे होते हैं, ये त्यौहार ऐसा है कि हर्षोल्लास के साथ मिलते हैं और प्रेम से आपकी दुश्मनी हो या कोई भी चीज़ भाईचारे से रहती है। कोई संगठन द्वारा है या ये संगठन द्वारा है, मध्य प्रदेश विकास परिषद जो 4 साल हो गए इसको बने हुए, बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रहे। ये अपने सूरत में भी संगठन अभी शुरुआत कर रहे हैं या हो चुका है? सूरत में शुरुआत हो चुका है। कितने लोग जुड़ चुके हैं? करीब इसमें हमारे 2000 लोग जुड़ चुके हैं। आगे अमित सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश विकास परिषद में मैं महिला अध्यक्ष हूँ। और जैसे आपको पता ही है कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग प्रांत के सभी की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी जितने भी त्यौहार और जिस तरह की वहाँ के संस्कृति के अनुरूप बनाए जाते हैं, तो होता है कि जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि पर सभी लोग हैं, तो वो अपने त्यौहारों के लिए अपनी जन्मभूमि पर जाते हैं। हमने हमारा उद्देश्य ये था कि हम सभी यहीं पर ही एकत्रित होकर और अच्छे से हम यहाँ पे अपने त्यौहार कर सकें, और साथ ही हम सब संगठित होकर हमारे मध्य प्रदेश को जितने भी यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे 5 से 7 लाख लोगों का वोटिंग है यहाँ पर, तो हम चाहते सब एकत्रित हो और हमारा खुद का एक संगठन होकर हम यहाँ पर ही खुशहाली से अपना सारे त्यौहार और सारी जितनी भी सुख दुख है एक दूसरे के साथ बांट सकें। संदेश देना चाहेंगे? संदेश में कहना चाहेंगे कि हम सब एक ही है, भले कितने भी जगह जगह के पर प्रांत से लोग आए हैं, यहाँ पे बसे हैं, सब एक ही है। पर ये संगठन का केवल हमारा उद्देश्य ये था कि हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं या हमारी जितनी भी संस्कृति होती है, तो वो सब हम एकजुट होकर मना सकें। इसलिए हम सब एक दूसरे से मिलने का इच्छुक, और एक दूसरे से जब मिलते हैं तो नेम प्रेम भाव व्यवहार बढ़ता है और एक दूसरे से परिचय हो जाती है, यही है उद्देश्य। विमल राजेश अखबेरी गुप्ता जी, हम लोग मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में सतना जिला के पास नागौर तहसील, वहाँ से। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो है, अभी सिर्फ एक हम लोगों ने जो यहाँ पे संगठन एक तैयार करके बड़ों के मार्गदर्शन से आज चालू किया है, काफ़ी दिन से है, लेकिन आज कोरोना के बीच में सब कुछ नहीं हो पाया है। आज पहला समारोह है हमारा होली मिलन समारोह,
बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारे गांव के भी थे हमें नहीं पता था, आज यहां पे मिल रहे हैं, लोगों ने कार्ड दिया है तो यहां पे आ रहे हैं, तो आज हमें बहुत इतना उत्साहित हैं आज कि हमारा समाज बहुत लोग हैं तो भी नहीं पता था, लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश के नहीं हैं। हमने काउंट किया है, अभी गणना चालू है, हमारे यहाँ 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम अभी तक मिले भी नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं। बस यही है कि संगठन के साथ चल के सब लोग एकत्रित हों और आगे भी एक संगठन बहुत बड़ा रूप देवे, यही है मेरी इच्छा। देखते रहे स्टार न्यूज़ नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ।